मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ हैची न्यूज में। कोरोना को हराने के लिए अभी मोदी सरकार की एक और कोशिश है, बनाई है टीम 11। चलिए जानते हैं टीम 11 है क्या, क्या करेगी ये बाकी लोगों के लिए जो संक्रमित हो चुके हैं, जिनकी मौत हो चुकी है और जो लोग ऐसे खुलेआम घूम रहे हैं और जो लोग भूखे हैं उनके लिए ये टीम 11 क्या करने वाले है, इसके बारे में हम आज की न्यूज में आपको बताएंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक्चुअली कोरोना वायरस का जो संक्रमित है वो बढ़ता ही जा रहा है। इटली, स्पेन या कोई भी दूसरी कंट्री हो, वहां पर ये बहुत ज्यादा हाहाकार हो चुका है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में अभी तक 1139 केसेस आ चुके हैं सामने, उसमें से 30 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी 11 कमेटी अभी बनाई गई है मोदी सरकार की तरफ से। हम आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से रविवार को एक संगठन रखा गया जिसमें से सीनियर ऑफिसर बुलाए गए और उस दौरान ही सबसे पहली जो कमेटी है वो मेडिकल इमरजेंसी की कमेटी बनी है, जिसको संभालेंगे डॉक्टर वी पाल और इसको संभालेंगे वी पाल जी। और उस दौरान ही इसमें क्या सब चीजें होंगी, जैसे कि संक्रमित लोग हैं उनके खाने का ध्यान रखना और अपने जो भी डॉक्टर्स है वहां तक पहुंचाना, सब चीजें जो भी मेडिकल में आ जाती हैं उसके लिए वो जांच करेंगे, एक कमेटी वहां पर बना के रख दी है। इसके बाद दूसरी कमेटी बनी है हॉस्पिटल और आइसोलेशन और क्वारंटीन को उपलब्ध करवाने के लिए, खाना उपलब्ध करवाने के लिए, जो लोग बीमार हो गए हैं उनको सही ट्रीटमेंट देने के लिए ये सब चीजें की गई है। और उसी दौरान ही हम आपको बता दें कि ये जो चीजें हैं ये बढ़ती ही जा रही है, लोग लॉकडाउन का अभी भी उल्लंघन करते ही जा रहे हैं। सबके पास एक ही सवाल होता है कि लॉकडाउन लगा हुआ है फिर भी ये संख्या क्यों बढ़ती हुई जा रही है। पर गाइज, आप तो घर के अंदर बैठे हैं पर बाकी बहुत सारे लोग हैं जो कि घर के बाहर जाते हैं, चीजों को टच करते हैं और उनके संपर्क में आते हैं जिनको कोरोना वायरस है, क्योंकि कोरोना वायरस के बारे में अचानक से ही पता नहीं चल जाता है, जिसके कारण आपको ये चीज गंभीरता से लेने की काफी ज्यादा जरूरत है और उन लोगों को बताने की जरूरत है जो लोग एक्चुअली में इस चीज को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।